विद्यार्थी मित्रों जय स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 8 के अंदर तीसरी जो अंतरिक्ष परिसुविधा विलियम्स के बारे में तीसरा जो हमारा पाठ है उसके अंदर अभ्यास करेंगे। मैं संजय सर, मेरी ओर से आपको जय स्वामीनारायण। इसकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख, जो जिनका जन्म 1954 के अंदर गांधीनगर में उवासद नामक गांव में उनका जन्म गुजरात के अंदर हुआ था। इन्होंने एमए एमफिल और पीएचडी तक की शिक्षा प्राप्त की थी गुजरात विद्यापीठ से। यहां पे अंतरिक्ष की परी, आकाश की परी सुनीता विलियम्स के बारे में यहां जानकारी दी गई है और इसके अंदर समाज सेवा, देश सेवा की बात बताई गई है। तो डॉक्टर कोकिला पारेख जी ने भी सामाजिक सेवा, महिला जागृति के लिए बहुत सारे कार्य किए थे और प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परिसुविधा विलियम्स की जीवन शिक्षा उसके बाद अंतरिक्ष यात्रा के अंदर उन्होंने जो भी परीक्षण किए उसके बाद उनको इन्होंने जो भी रिकॉर्ड बनाए इन सब की जानकारी इस पाठ के अंदर दी गई है। तो उनके द्वारा जो भी खोजें हुई थी उनके बारे में और उनका जीवन, उनका जन्म के बारे में भी यहां पे अंतरिक्ष परिसुविधा विलियम्स के बारे में जानकारी दी गई। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी जिनका नाम था सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन हो सकती है, यह बात सुनीता विलियम्स ने बता दी थी। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर वह युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा भी उसने स्थापित कर दी थी और भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम का नाम जुड़ा हुआ है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया था, यानी कि प्रतिष्ठित किया था और सफल होकर वापस आई। यानी कि देखिए तो कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम का नाम अंतरिक्ष के अंदर जो परीक्षण हुए थे, जो खोज हुई थी उनके अंदर उनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह है कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर
हमारी कल्पना बन गई, कल्पना के स्वप्न और खुद के दिया स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम आज इस मुकाम तक पहुंची। यानी कि सुनीता विलियम ने भी जिस प्रकार कल्पना चावला ने अपना ध्येय जो बना रखा था अंतरिक्ष यात्रा करके उनकी जानकारी प्राप्त करना, उसी प्रकार सुनीता विलियम्स ने भी एक अच्छी अवकाश यात्री बनने का स्वप्न देखा था। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। देखिए जो भी भारतीय लोग हैं विश्व के अंदर अपना नाम शोहरत प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति जो है हमारे देश का नाम जो ऊंचा करते हैं उनके लिए हमें गर्व करना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि सुनीता विलियम्स के लिए भी हमें गर्व करना चाहिए। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो यह प्रश्न होता है कि भारतीय गुजराती कैसे, विलियम्स तो अंग्रेजी जैसा शब्द है तो वो भारतीय है गुजराती है वो हम कैसे कह सकते हैं। तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल जो जड़ है वो गुजरात से जुड़ी हुई है। देखिए उनके पिता का नाम था दीपक भाई पंडिया, जन्म उनका हुआ था गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलसान गांव में। यानी कि जो सुनीता जो है उनके जो पिता थे दीपक भाई उनका जन्म गुजरात के अंदर मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जुलासन गांव है वहां पे उनका जन्म हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी दीपक भाई ने गुजरात में बिताई थी। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो डॉक्टर की सेवा देकर 1960 में सदा के लिए वो अमेरिका गए। दीपक भाई 1960 के अंदर वो यहाँ अहमदाबाद से अमेरिका में गए। वे मैसाचुसेट्स के कालामाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बॉनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। पिता दीपक पंड्या और उनकी सुनीता विलियम्स की माता का नाम था उर्सबाइन के जय दीना और सुनीता। तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। दीपक पंड्या जो थे गुजरात के थे वो अमेरिका जाते हैं और वहां पे युगोस्लावियन लड़की से वो शादी करते हैं और उनके वहां पे तीन बच्चे होते हैं जिनका नाम क्रमशः जय दीना और सुनीता है। जो सुनीता विलियम्स हम जो कहते हैं वो सबसे छोटी उनकी लड़की है। सुनीता विलियम्स के जन्म के बारे में यहाँ थोड़ा माहिती दी गई है। यहाँ पे उनका जन्म 19 दिसंबर 1965 के अंदर ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उम्र पर देखने को मिली है। सुनीता विलियम बचपन से ही दौड़ स्विमिंग घुड़दौड़ बाइकिंग स्नोबोर्डिंग धनुर्विद्या इस जैसे खेलों में साहस से भाग लेती थी और वो बहुत ही ज्यादा मेहनत भी थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। सुनीता विलियम्स को घर वाले उसके पिताजी उसकी मम्मी उन्हें सुनी कहकर बुलाते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री जो नाम है नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा तब से उसने निश्चय कर लिया था इस छोटी से लड़की ने मुझे भी ऐसा कुछ कर दिखाना है। यानी कि जो साहसी लोग हैं कुछ करना चाहते हैं वो तो पहले से ही ठान लेते हैं मुझे ये करना है। इसी प्रकार सुनीता विलियम्स ने भी पहले से ठान लिया कि मुझे यह काम करना है और इस प्रकार उसने बचपन का संकल्प उसने साकार कर दिया। देखो उसने जो पहले से ही संकल्प ले रखा था कि मैं ऐसा करूंगी
ऐसा करने के लिए उसने पहले से स्थान लिया और इस प्रकार इसके अंदर वो मेहनत करने लगी। उसके बाद देखिए आप आगे क्या होता है कि उसकी हाईस्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई, यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में वो स्नातक हुई, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955 में अनुस्नातक उन्होंने किया। इससे पहले 1987 के अंदर उन्होंने नेवल अकादमी से व्यावहारिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां पे साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व, यानी कि इन्होंने क्या क्या ट्रेनिंग ली थी इसमें देखिए, उन्होंने नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइड ऑफिसर का पद भी उन्हें मिला था, और उसके बाद इन्होंने पायलट कोर्स के लिए भी चयनित किया गया था। इस प्रकार उनकी जो कामगिरी है बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष यात्री का कार्यक्रम द्वितीय प्रयास में चयन हुआ था। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं और अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। देखिए सुविधा ने खास मित्र और सहजाई माइकल विलियम से शादी की थी। देखिए उन्होंने माइकल विलियम्स नाम का जो व्यक्ति था उन्होंने उनके साथ शादी कर ली और इसीलिए सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। समझे बच्चा? ठीक है, माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया और इस प्रकार सुनीता अंतरिक्ष परिणाम बनने के लिए कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला सकुशल वापसी से लौटने की राह में सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था, नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता रहा, यानी कि दोनों भारतीय थी उस बात का उन्हें काफी कुछ गर्व था, दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना ने मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है, कल्पना चावला से सुनीता विलियम्स ने बहुत कुछ सीखा था। तो छात्र मित्रों हम आज यहाँ तक पढ़ेंगे, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आगे की स्टोरी हम पार्ट टू में समझेंगे। सजन सय महाराज जय, दरेक विद्यार्थी ने जय स्वामी।